नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कच्ची कली। दुनिया भर में मशहूर हो रहे कीकी चैलेंज के जवाब में कानपुर के एक ड्राइवर ने पीक चैलेंज दिया है। पीक चैलेंज में किसी भी ड्राइवर को चलती गाड़ी में अपनी तरफ का ही दरवाजा खोलकर खैनी की पीक फेंकनी होगी। चैलेंज देने वाले कानपुर के ड्राइवर क्रिस्टियानो चौरसिया का कहना है कि चलती गाड़ी से उतरकर डांस तो कोई भी कर सकता है, मगर किसी ने माँ का दूध और बाप की खैनी खाई हो तो वो चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर पीक फेंक कर दिखाए। फटे दूध की सड़ी चाय से दिख रहे इस शख्स का नाम है क्रिस्टियानो चौरसिया। क्रिस्टियानो पहली बार तब चर्चा में आए थे जब चलती गाड़ी से फेंकी इनकी पीक एक कागज पर जा गिरी और किसी ने इसे पिकासो की पेंटिंग बताकर एक रूसी उद्योगपति को 50 करोड़ डॉलर में बेच डाला। क्रिस्टियानो का कहना है कि कीकी फीकी चैलेंज तो नौटंकी है, लेकिन एक हाथ से स्टेयरिंग संभालते हुए चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर पान की पीक फेंकने के लिए गुर्दों में दम होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप सुन लो बे, अगर जल्दी किसी अमेरिकन ने मेरा ये पीक चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो भारत से ही पीक फेंक के तुम्हारे व्हाइट हाउस का लाल किला बना दूंगा। वहीं कीकी चैलेंज की तर्ज पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नो माँ बहन की चैलेंज शुरू किया है। इस चैलेंज में लोगों को पूरे एक मिनट तक बिना कोई गाली दिए अपना वीडियो रिकॉर्ड करके दिल्ली पुलिस को भेजना होगा। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में ड्राइव करने वाले व्यक्ति को आधे घंटे की ड्राइव में औसतन 2.5 से 3 हजार गालियां देनी पड़ती हैं। इस बीच खबर है कि इस चैलेंज के बाद जिन 10 लोगों ने बिना गाली दिए ड्राइव करने की कोशिश की, उनमें से 9 के बुरी तरह एक्सीडेंट हो गए और 3 तो मरते मरते बचे हैं। देखिए, मेरे ठीक सामने से एक बाइक वाला रॉन्ग साइड से आ रहा था, बगल में एक रेडी वाला था, साइड से एक टेम्पो जा रहा था। ये सब देखकर गाली मेरे यहाँ तक आ गई थी, वो बस निकल ही रही थी, मैं बड़ी मुश्किल से उसे कंट्रोल कर रहा था। मैंने मुंह को कसकर बंद कर लिया, पर तभी मेरा पैर ब्रेक से फिसला और गाड़ी एक स्कॉर्पियो में जा ठुकी। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की नो मां बहन की चैलेंज के पहले दिन तकरीबन 4000 लोगों ने इस चैलेंज को लेने की कोशिश की, जिनमें 4500 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। सिर्फ एक आदमी था जो पूरे 50 सेकंड तक बिना गाली दिए गाड़ी चला पाया, मगर बाद में हुई डॉक्टरी जांच में वो गूंगा निकला। वहीं वेटिकन का कहना है कि अगर एक भी दिल्ली वाला बिना गाली दिए 2 मिनट तक गाड़ी चला पाया तो पोप खुद दिल्ली आकर उसे संत की उपाधि देंगे। और आखिर में बात एक ऐसे मोर की जिसे नहाता देख मॉनसून 2 महीना पहले ही भारत छोड़कर चला गया है। मैं एक मोर हूँ। कहा जा रहा है कि इसे नाचता देख इलाके के कई कुओं का पानी सूख गया है, यहाँ तक कि भैंसों ने नाराज होकर दूध देना बंद कर दिया है। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बच्चों को बाजू कर दीजिए, एक गिलास ठंडा पानी पीजिए और देखिए ये मोर डांस। बारिश नहीं हो रही है, पास मैं जाता हूँ, कोई बारिश कर दो, कोई बारिश।